दिलबर साहब, अब तुम्हें तो भांजा बोलना भी नहीं चाहिए, तुम जिस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो। पराई शादी अब्दुल्ला दीवाना उसको बोलते हैं, मैं आपको समझाता चलूं कि जो रिश्तेदारों से हट के जो वीडियो बनाते हैं, जिनको हम जानते भी नहीं हैं, जो आजकल लगे हुए हैं, पराई शादी अब्दुल्ला दीवाना उनको बोलते हैं। और रही बात ये कि आप अपनी अम्मी को मना लोगे और एक दो दिन बाद तो फिर मुझे नहीं पूछोगे, तो ये आपकी जो अम्मी है, आपकी अम्मी बाद में है, पहले मेरी बड़ी बहन है। और जब भी उसके साथ कोई मुश्किल, कोई कुछ वक्त आया तो वो मेरे पास रही है और आगे भी रहेंगी। अल्लाह ताला उनको बहुत आसानियां दे, बहुत खुश रहें। आपके अंदर इतनी पावर नहीं है कि आप इसको अपने पास रख सको। अगर आप इनको, रुबीना बहन को अपने पास रखते तो वो आज जॉब नहीं करती, वो जॉब कर रही हैं, अकेली रह रही हैं, वो आपके साथ नहीं है। पराई शादी अब्दुल्ला दीवाना का किरदार आप अदा कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। मेरी तो बहन है, मेरी तो अम्मी की तरह है। उसका कोई चैनल नहीं है कि मैं उसकी सपोर्ट कर रहा हूं तो वो मुझे व्यूज मिलेंगे। मेरी बड़ी बहन है, मुझे तो उसकी हर बात को अप्रिशिएट करना है, उसके साथ खड़े रहना है। कोई मुश्किल वक्त आएगा तो मैं ही उसके साथ खड़ा हूं। आपका रवैया तो ये है कि आपके साथ एक आपका साला है, एक और भी है, पता नहीं कौन है, ये दोनों जो व्लॉगर बने हुए हैं, उन्होंने नैना के ऊपर वीडियो बना ली। आपकी बहन है अकलौती, बजाय उसका दिफा करने के उल्टा नैना के ऊपर दबाओ, शाहरुख के ऊपर, उनको वार्न कर रहे हो कि आइंदा तुम लोगों ने ये नहीं करना। वो वीडियो बनाएंगे और अपनी व्लॉगिंग करेंगे वो। ये तो है आपकी गैरत, उन लड़कों को मना करने की बजाय नैना और शाहरुख को मना किया, ये है आपका जमीर। और ये अली जब छोटा था तो तुमने अपनी बेगम को तो तलाक दे दी थी, इसको रुबीना बहन नहीं पाला था, छोटा था जब। जब उसकी बड़ी सेलिब्रेशन आई तो फिर उसमें रुबीना बहन नहीं है और आपको कोई भी बिल्कुल फिक्र नहीं थी। माँ का दर्जा अगर आप देते उसको तो सबसे पहले इतनी बड़ी सेलिब्रेशन थी बच्चे की, और वो बच्चा ज्यादा अटैच है रुबीना बहन से, सबसे पहला जो गेस्ट था वो रुबीना बहन होनी चाहिए थी। लेकिन आप वहां गए जहां से आपको व्यूज अच्छे आने थे, यहां तो व्यूज नहीं आने थे। तो अम्मी है, अम्मी को ले जाएंगे कौन देखेगा। तो इससे बेहतर है कि जो अच्छे गेस्ट हैं, जिनकी बदौलत चैनल चला हुआ है आपका, उनको बुलाया आपने और उनको गेस्ट बनाया और बड़ी खुशी शादियां ने वहां मनाए और बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन हो गई। आपको ये पता नहीं था कि YouTube फैमिली जो देख रही है वो ये नहीं देखेगी कि आपकी अम्मी क्यों नहीं आई, बहन क्यों नहीं आई, क्योंकि वो सलमा बहन को उन्होंने सपोर्ट किया जो उनके साथ ज्यादती हुई, उन्होंने किया सलमा बहन को सपोर्ट। अगर मुझे व्यूज चाहिए होते तो मैं भी पहले दिन पहुंचा होता सितारा बहन के पास, जो जी मैं आप बैठा हूं आपके साथ ही। नहीं, गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, इसलिए हमने सलमा बहन का भी साथ दिया, नैना का साथ है, सलमा बहन के साथ है, शाहरुख के साथ है, अपनी बहन के साथ है। मेरी बहन का कोई चैनल नहीं है, मैं नहीं बात करूंगा तो कौन करेगा उसकी बात। बाकी रही आपकी सुलह की, आप उसके बेटे हो, सुलह तो हो जाएगी क्यों?